माथे पर सुहाग, लाल रंग का जोड़ा, जोड़े में सजी दुल्हन, ये तस्वीरें बता रही हैं जिंदगी में लोकतंत्र के त्योहार का कितना बड़ा महत्व है। पहाड़ की इन बेटियों की शादी वोटिंग के दिन यानी कि 19 अप्रैल की सुबह ही संपन्न हुई। पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, चकराता, हरिद्वार, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर की इन दुल्हनों ने विदाई से पहले लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। ससुराल जाने से पहले पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम पर बटन दबाया, जिससे कि उनको अपनी पसंद की सरकार मिल सके। पहाड़ की पांचों लोकसभा सीटों पर लोकतंत्र के पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को निभाना कितना जरूरी है। पति के साथ सात फेरे लेने के बाद पत्नी अपने घर से विदा होकर ससुराल के लिए जाती है, लेकिन यहाँ दुल्हन बनी बेटियों ने पहले लोकतंत्र का फर्ज निभाया। शादी के लाल जोड़े में पहले पोलिंग बूथ पर जाना जरूरी समझा, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बनना सबके लिए कितना जरूरी है। चलिए अब आपको एक एक करके दोनों दुल्हनों के बारे में बताते हैं। ये है उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर की दीक्षा। दुल्हन के वेश में नजर आ रही दीक्षा ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए मतदान केंद्र में अपने वोट का इस्तेमाल किया। दीक्षा की उम्र 23 साल है। दीक्षा विवाह संपन्न करने के बाद अपने पति अंशुल के साथ मतदान केंद्र पहुंची। दीक्षा और अंशुल दोनों ने ही बताया कि लोकतंत्र के महापर्व में मताधिकार का प्रयोग कितना जरूरी है। और मैं यहाँ अपने मत का अधिकार के लिए वोट डालने आई हूँ। कल ही मेरी शादी हुई है और आज मैं यहाँ वोट डाल के इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने जा रही हूँ। जो कि लोकसभा चुनाव से स्टार्ट हो रहे हैं उत्तराखंड में आज है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल 326 में। तो ये हर सिटीज़न की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शन में हर गवर्नमेंट को चूज़ करने का अधिकार है उसके पास, और जो उसे उपयोग करना चाहिए हर सबसे सर्वोपरि है, मैं समझता हूँ। ये है हल्द्वानी की रहने वाली गायत्री चंदोल। गायत्री की शादी भी संयोग से वोटिंग के दिन यानी कि 19 अप्रैल की सुबह ही संपन्न हुई, लेकिन गायत्री भी लोकतंत्र के महापर्व में अपना फर्ज निभाते हुए मतदान स्थल तक पहुंची और ईवीएम का बटन दबाकर मतदान किया। दुल्हन गायत्री ने भी समाज को संदेश दिया कि मजबूत प्रजातंत्र के लिए पब्लिक का वोट करना कितना जरूरी है। मतदान करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम अगर वोट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट और आगे सारी चीजें सब सही कैसे होंगी। तो इसीलिए मतदान के लिए भी एक्साइटमेंट थी, इसीलिए अभी जा करके विदाई के जस्ट आधे घंटे पौन घंटे बाद अप्रॉक्स वापस मैं वोट देने के लिए आई हूँ, और साथ में मेरे हस्बैंड भी आए हैं, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट है, इसीलिए यहाँ पर अभी वोट दे करके आ रही हूँ जस्ट। इसी तरह टिहरी में भी एक नवविवाहित जोड़े ने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। लाल जोड़े में पहुंचकर इस जोड़े ने मतदान तो किया, इसके साथ ही लोगों से भी मतदान करने की अपील की। तो सबसे अपील ये करना था कि हम भी कि सबको अपना मतदान का अपना अधिकार होना चाहिए उसमें। हम भी अपना शादी का समय निकाल के हम भी आए हैं अपना वोट देने के लिए अधिकार उसमें। तो मैं आगे जनता से यही अपील करता हूँ कि आओ अपने अधिकार पर। और आज ही हमारे पूरे प्रदेश में मतदान हो रहे हैं, तो मैं सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि अपने मत का जरूर प्रयोग करें और अपने नज़दीकी बूथ पे जाकर वोट करें। ये सभी पहाड़ की वो बेटियां हैं जिन्होंने अपने फर्ज को निभाया, विदाई से पहले शादी के कपड़ों में ही पोलिंग बूथ तक पहुंचकर वोट डाला। ये तस्वीरें वास्तव में मजबूत लोकतंत्र के प्रति युवाओं की गंभीरता को दर्शाती हैं। इन तस्वीरों के पीछे कहीं न कहीं चुनाव आयोग की मेहनत भी रंग लाई है, जिसने ज्यादा से ज्यादा वोटरों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए। चुनाव आयोग पहाड़ पर पहले से वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहता है, इसके लिए इन दुल्हनों ने अपने फर्ज को निभाते हुए बता दिया कि लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी कितनी जरूरी है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।